हाय फ्रेंड्स, एएमएच सीरीज में आज बात करते हैं कि एएमएच की रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए। आई एम डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल, फाउंडर एंड डायरेक्टर गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड, अ फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपर्ट। सो एएमएच की वैल्यू एक बहुत नैरो रेंज में रहती है। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट के माध्यम से ये टेस्ट किया जा सकता है और उसकी सबसे खास बात यह है कि ये महीने के या पीरियड साइकिल के किसी भी दिन ये टेस्ट किया जा सकता है। दिन के किसी भी समय ये टेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें जो वेरिएशन है वो बहुत ही मिनिमल है, इसलिए ये टेस्ट किसी भी दिन किसी भी समय करने के लिए अप्रूव्ड है। काफी लोग ये पूछते हैं कि क्या टेस्ट के लिए हमें खाली पेट आना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज, एएमएच की वैल्यू नॉर्मली 1-4 नैनोग्राम पर एमएल के बीच में होनी चाहिए। ये बहुत ही नैरो रेंज है। अगर आपकी वैल्यू 4 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा है तो यह इंडिकेट करती है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है। यह एक कॉमन कंडीशन है जिसमें आपकी ओवरीज में बहुत सारे स्मॉल फॉलिकल्स या एग सैक्स होते हैं और इसकी वजह से आपके जो ये हार्मोन्स हैं डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी कंडीशन में आमतौर औरतों को पीरियड्स या तो लेट आ रहे होते हैं, इरेगुलर होते हैं या फ्लो कम होता है। कई बार कंसीव या प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत आ सकती है, पर यह मैंडेटरी नहीं है, ये परेशानी हो सकती है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ज़्यादा परेशानी तब है जब ये वैल्यू 1 से कम आती है। अगर ये वैल्यू 1 से कम है, दैट मीन्स आपकी ओवरी में नंबर ऑफ एग्स या एग सैक्स कम है। ऐसे में जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने की कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव विंडो है, मतलब वह समय जिसमें आपको प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, वह कम है और आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0.7 से कम हो जाती है, ऐसे में नंबर ऑफ एग्स मिलने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। इवन अगर हम एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे IVF का सहारा लेते हैं तब भी ये परेशानी तब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है यदि आपकी उम्र कम है और आपकी AMH की वैल्यू लो है। मगर ऐसे में अगर एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे IVF का सहारा लिया जाए तो आपके केस में हमें उन लेडीज से जिनकी उम्र भी ज़्यादा है और AMH का, यदि आपकी उम्र कम है, आप यंग हो, 30 इयर्स से कम की उम्र है और आपका AMH लो है, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से, एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जल्द संपर्क करें। 0.5 AMH के नीचे आप ऑलमोस्ट जो हम कहते हैं ओवेरियन फेलियर में है, दैट मीन्स आपकी ओवरीज काम करना नियरली बंद कर चुकी हैं। ऐसे में हो सकता है आप महसूस करें कि आपको पीरियड्स या तो बहुत लेट आते हैं या बहुत हल्के आते हैं या नहीं। ऐसे में प्रेग्नेंट होना भी कई बार अपने एक्स से मुश्किल होता है। जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, ऐसे में आपको एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।